गया। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। नमस्कार, आप देख रहे हैं डब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ नुपुर शर्मा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले मोरबी में हुआ हृदय विदारक घटना को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि केंद्र और भाजपा की तरफ से इस मुद्दे पर तोल मोल कर बयान दिया जा रहा है। इसकी असली वजह है राज्य में होने वाला विधानसभा चुनाव। दरअसल राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यह चुनाव मोदी और शाह के लिए प्रतिष्ठा के समान है। वहीं इस चुनाव को लोकसभा चुनाव 2024 का ट्रेलर समझा जा रहा है। शायद यही वजह है कि इतने लोगों की मौत पर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से पर्याप्त सख्ती नहीं देखी जा रही। ऐसे में पप्पू यादव ने इस मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कहा कि कुछ लोगों के अनुसार गुजरात की जनता ही पुल हादसे के दोषी हैं। उन्होंने कहा कि 6 बार और 27 साल से भ्रष्ट भाजपा को वोट देकर ऐसे हादसों को आमंत्रण देने के दोषी वे खुद हैं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने मोरबी हादसे में घायलों को देखने के लिए अस्पताल का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि गुजरात के मोरबी का सरकारी अस्पताल, जहां की 150 से अधिक लोगों की लाश पड़ी है, सैकड़ों घायल हैं, लेकिन जहां बना मोदी जी इनके साथ फोटो खिंचवाने आने वाले थे तो वहां रंगाई पुताई टाइल्स लगाए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि घायलों का इलाज हो या ना हो, लेकिन साहब की तस्वीर मस्त आनी चाहिए। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही थी। पप्पू यादव ने इसके आगे मोरबी हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए उन्हें साल 2016 में बंगाल के विवेकानंद रोड फ्लाईओवर हादसे के वक्त दिए गए उनके भाषण के लिए उन्हें कटघरे में खड़ा किया, जहां प्रमुख ने कहा कि गुजरात में पुल गिरने से 150 से अधिक लोग मारे गए। बकौल प्रधानमंत्री, पुल गिरना एक्ट ऑफ गॉड नहीं बल्कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि गुजरात के लोगों के साथ यह एक्ट ऑफ फ्रॉड किसने किया। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है, ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है। पप्पू यादव ने कहा कि क्या उनकी ट्रबल इंजन सरकार ने यह नरसंहार किया है। दरअसल साल 2016 में बंगाल चुनाव में कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कोलकाता के विवेकानंद रोड फ्लाईओवर हादसे पर ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। उस हादसे में भी 27 लोगों की मौत हुई थी। पीएम मोदी ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा था कि ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, लेकिन दीदी ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है, ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है, क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा ब्रिज खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। मोदी ने कहा था कि ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है, क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चला कि आपने कैसी सरकार चलाई, इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये पुल टूटा है, कल पूरे बंगाल को खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। इसी पर पप्पू यादव ने पूछा है कि क्या गुजरात की जनता को भी भगवान ने संकेत दिया है कि इस फ्रॉड वाली सरकार से बचो। सीधे शब्दों में कहें तो पप्पू यादव ने मोदी और शाह की भाजपा को यह बता दिया है कि मोरबी घटना विधानसभा चुनावों में भाजपा के ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल डब्जी लाइव के साथ। धन्यवाद।